तो चलो यहाँ पे ये मेरे सामने आ गया डेटा। मैं जानता हूं जैसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी कि भी डेल्टा कॉर्पस गुड कंपनी, अच्छा धंधा है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कैसीनो वाला। कैसीनो ग्रोथ भी दे सकता है पर कैसीनो एक्साइज ड्यूटी भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर मैं डेल्टा में डालता हूँ मुझे थोड़ा प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। अगर मैं नहीं डालता हूँ डेल्टा में तो मेरे को दूसरी चॉइस लेनी है। और वहां पे सेल्स में कौन है सर चॉइस बेस्ड? सेल्स में तो वंडरला अच्छा है, सेकंड नंबर पे ही में, सेकंड नंबर पे। और दोनों का सिमिलर टर्नओवर था कुछ साल पहले, तो हो सकता है जब आप 2030 में देखो सर तो ये डाइवर्जेंस और बढ़ गया होगा। फिर आपने जो दूसरे डेटा डाले और इन डेटा के आधार पे मैं सीधा यहाँ पे रेशियो पे आ जाता हूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, राइट। ये जो मार्जिन है आपके 142%, ये जैसी हमारी बात हुई ऑपरेटिव मार्जिन नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट की वजह से आए हैं, तुम इनको नहीं गिनेंगे। आगे बढ़ो तो करंट रेशियो, तो करंट रेशियो तो आपके बहुत फेवरेबल है सर, इतने ज्यादा है 8, 8 और 0। सही बात है सर, ये आपका डेटा यहाँ पे है 1000। एक मिनट, करंट एसेट किधर गया? शुरू में ही है करंट एसेट। तो ये दोनों ही कंपनी में मैं देख रहा हूँ सर, डेल्टा कॉर्प और इमेजी का। जस्ट अ मिनट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब ये देख के मुझे लगता है इन दो कंपनियों में नियर टर्म कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ह्यूज एसेट्स और लायबिलिटी कुछ भी नहीं। पर इमेजिका में क्या है सर? इमेजिका में तो करंट लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, द मींस इसमें तो रिस्क है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, बता रहा है ना एक्सरे में कि रिस्क है। इनको देने के रुपए नियर टर्म में 6 महीने में भी 650 करोड़ है, जब आने वाले तो 100 करोड़ ही है खाली, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनी के ऊपर। ये देखा हमने किससे, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से हमको ये पता चला। अब ट्रेड रिसीवेबल तो होगा नहीं सर इन कंपनियों में, ये तो कि लोग बाहरी टिकट लेके अंदर जाते हैं। इनके अलावा जब हम लोग कंपनी की डेप्ट को इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मिलता है जो आपने यहां बनाया है 0%, 0%। तो ये तो बड़ा अचीवमेंट है सर, कोई भी धंधा करने में पैसा तो लगता है, पर ये दोनों ही कंपनी ने बोरोइंग कितना लिया हुआ है सर? बोरोइंग नेग्लिजिबल है सर, है ही नहीं, नहीं सर, जीरो जीरो मतलब कुछ थोड़ा सा उसमें लैक्स में कुछ 1-2 लाख ऐसा कुछ आता है तो राइट। तो मतलब ये तो बिल्कुल कुछ भी बोरोइंग नहीं हुआ। तो हमको मानना पड़ेगा कि एक कंपनी है इमेजिका नाम की जिसको 600 करोड़ की लोन लेनी पड़ी तब जाके वो 200 करोड़ का धंधा कर पाती है। दूसरी दो कंपनी ने बिल्कुल लोन नहीं ली, राइट, और तब जाके वो लोग 1000 और 500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं विदाउट लोन। इफेक्टिव मैनेजमेंट कौन सा है वो तो हमको इधर से ही पता चलता है, बिल्कुल बराबर ना। यहाँ पे डेल्टा में 2000 करोड़ लगे हैं, ये टोटल इक्विटी है, ओके सॉरी इक्विटी किधर की? इधर इक्विटी 27 है। देखो इक्विटी में भी कितना डिफरेंस है, यहाँ 400 करोड़ लगाने पड़े तब हम 250 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे पैसे से बड़ा टर्नओवर करने की इनके अंदर खासियत है। तो ये दोनों कंपनी को हम बढ़िया कंपनी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो जब आईपीओ आया उस समय भी ये डेटा ने मुझे कहा कि लेट अस गो विद वंडरला एंड अवॉइड इमेजिका। हमने ये सब कंपनी क्यों नहीं ली? क्योंकि ये तो टर्नओवर ही नहीं करती थी। ये तो, मतलब मेरे को खुशी हुई कि चलो ये दोनों कंपनियां परफॉर्मर है, दोनों ही कंपनियों ने कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बताई है। तो यही चीज कंटिन्यू रहेगी सर, 2030 में कोई अगर रिसर्च करेगा इस सेक्टर में अम्यूजमेंट पार्क में तो यहाँ पे दूसरी और 10 कंपनी आ चुकी होगी, लिस्ट लंबी हो चुकी होगी, पर फिर भी जो बढ़िया है वो बढ़िया रहेगी। ये कभी ऐसा नहीं होगा अचानक बुरी हो जाएगी, और जो बुरी है वो अचानक अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है, राइट सर? यस। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये देखने का नहीं है, ये एंजॉय करने की चीज है ना, कि भाई हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छे मिलेंगे ये हम उम्मीद करते हैं, राइट, इन डेटा के आधार पे, ये दोनों चीजों के ऊपर, बराबर सर? जी, ग्रेट सर।